हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीना रावत और आपका मेरे चैनल द ड्रामा क्वींस में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बेबी मिल्क बॉटल के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और आज के वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट पंप के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके ब्रेस्ट फीड ही कराइए बेबी को। बट बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जिन्हें ब्रेस्ट मिल्क जो ले नहीं पाते हैं, जिन्हें सक करने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में हमें बेबी को बाहर का मिल्क देना पड़ता है, फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। बहुत देर तक न्यू मॉम्स को उनको फीड कराना पड़ता है, उससे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बहुत सारे वर्किंग वुमेन्स होते हैं जो जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, अपना ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती है। तो ऐसे में वन ऑफ द सॉल्यूशन है ब्रेस्ट पंप। तो ब्रेस्ट पंप के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि बहुत सारे मॉम्स को बहुत ज़्यादा मिल्क आता है और बच्चे को बहुत कम मिल्क लगता है, तो ऐसे में ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाता है और कभी कभी गार्ड भी आता है। तो ब्रेस्ट पम्प अगर है तो आप मिल्क निकाल के रख सकते हैं, ऐसे में आपका ब्रेस्ट बहुत लाइट फील करता है और गार्ड आने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। हाँ, वर्किंग वुमेन्स ऐसा कर सकते हैं, अपने मिल्क स्टोर कर सकते हैं, फिर उनके एब्सेंस में कोई भी बेबीज को मिल्क पिला सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि बस हम जब बहुत ज़्यादा पम्प करते हैं तो अपने ब्रेस्ट में, अपने निपल्स में थोड़ा बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, बट वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है, थोड़ी देर के लिए ही रहता है और बाद में ठीक हो जाता है। जब हम यूज्ड टू हो जाते हैं तो ये बर्निंग सेंसेशन हमको नहीं होता है। मार्केट में दो टाइप के ब्रेस्ट पम्प्स अवेलेबल है, एक मैनुअल और एक इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले मैं आपको बताऊंगी मैनुअल ब्रेस्ट पम्प के बारे में। यहाँ पे मेरे पास है एक फ्लोराइड का मैनुअल ब्रेस्ट पम्प। ये मैनुअल ब्रेस्ट पम्प में आपको दो चीज़ मिल जाएगा, एक है बॉटल और एक है पम्प। ये बहुत ही ईजी है असेंबल करने में, हमें बस ये बॉटल को इस तरह से लगाना है और हम पम्प यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास है रेडी बेबी का ब्रेस्ट पम्प। रेडी बेबी के ब्रेस्ट पम्प में आपको मिलेगा बॉटल ब्रेस्ट पम्प। ये बॉटल हमें इधर इस तरह से लगाना है और इसमें मिलता है आपको एक हैंडल, ये हैंडल भी आपको यहाँ इस तरह से लगाना है और आप ये ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लोराइड का ब्रेस्ट पम्प और रेडी बेबी ब्रेस्ट पम्प दोनों में से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ज़्यादा पसंद आया वो है रेडी बेबी का ब्रेस्ट पम्प। वो इसलिए क्योंकि रेडी बेबी के ब्रेस्ट पम्प में आपको अप्रॉक्स 25 to 30 minutes में आपका आ जाएगा अच्छा खासा 40 to 50 ml मिल्क आ जाएगा, और जो फ्लोराइड का ब्रेस्ट पम्प है वो 25 to 30 minutes में आपका 10 to 20 ml ब्रेस्ट मिल्क आ जाएगा। फ्लोराइड के ब्रेस्ट पम्प में ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपको ये जो पंप जो रबर का है उसके वजह से मिल्क का टेस्ट कभी कभी चेंज हो जाता है, तो मायरा दूध लेने से नखरे करने लग जाती है, लेती नहीं है दूध वो। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में मेरे पास दो पंप है, एक है मेडला कंपनी का और एक है पीजिन का। तो मेडला कंपनी का आपको इस तरह से मिल जाता है, ये आपको मोटर मिलेगा, आपको कप्स मिल जाएगा और एक बॉटल मिलेगा। तो ये बॉटल को आपको यहाँ पर ऐसे अटैच करना है और ये मोटर को यहाँ पे ऐसे लगा देना है। आपको इसमें एक चार्जर मिलेगा, तो आप चाहे तो ये चार्जर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आप चार्जर नहीं अवेलेबल है वहाँ पे, प्लग पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये मोटर में यहाँ पे बैटरीज का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये यहाँ पे दो बैटरीज आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसे कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं हम पीजन के ब्रेस्ट पंप में। पीजन के ब्रेस्ट पंप में आपको मिलता है बॉटल, एक मोटर, आपको ये कप मिलता है, आपको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और ये मोटर को यहाँ पे लगा देना है। पीजन के ब्रेस्ट पंप में आपको दो कप मिलता है, एक रेगुलर साइज और एक लार्ज साइज। तो इसमें भी आपको चार्जर मिल जाएगा, आपको अगर चार्जर यूज़ नहीं करना है तो इसमें भी आपको बैटरी का ऑप्शन मिलता है। सी, आप ये ओपन करके यहाँ पे बैटरीज लगा के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
ऑन ऑफ मोड दिया है, 1, 2, 3, 4 एट 6 तक दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिम मोड से ही स्टार्ट करना, चाहे वो मेडेला का पंप हो चाहे वो पीजन का पंप हो। अब इन दोनों में से मुझे वो है मेडेला का ब्रेस्ट पंप। मेडेला का ब्रेस्ट पंप इसलिए क्योंकि मोटर इसका काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू पीजन के ब्रेस्ट पंप से। और मेडेला का ब्रेस्ट पंप में 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स में आपका अराउंड 100 to 150 ml ब्रेस्ट मिल्क आ जाता है। और पीजन का जो ब्रेस्ट पंप है उसमें 25 to 30 मिनट्स में आपको अप्रोक्स 80 to 120 ml मिल्क आ जाएगा। ये जो भी मैं बता रही हूँ दोनों डिपेंड, आपको कितना मिल्क होता है डिपेंड, आप कितना आपका बॉडी कितना मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये दोनों में जाता है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक हो। हो सकता है आपको कम टाइम में ज़्यादा मिल्क आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम टाइम में कम मिल्क हो, आपका ब्रेस्ट पंप कम निकाले, वो सब आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप और मैनुअल ब्रेस्ट पंप दोनों में से मुझे जो ज़्यादा पसंद आया है वो है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। वो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में आपका हाथ में पेन नहीं होता है, मैनुअल में काफ़ी पेन हो जाता है, हम ब्रेस्ट पंप करते रहते हैं तभी। और इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में कम टाइम में आपको ज़्यादा मिल्क आ जाता है, मैनुअल में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। मैनुअल ब्रेस्ट पंप का एक ये एडवांटेज है कि अगर कभी आप बाहर जा रहे हो आपका बैटरी ख़त्म हो गया हो तो इसमें बैटरी लगता ही नहीं है, बट इलेक्ट्रिक में आपको बैटरी लगता है या चार्जर प्लग पॉइंट्स लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके रेट्स। रेडी बेबी का जो मैनुअल ब्रेस्ट पंप है वो आपको अराउंड 1000 रुपीज़, 1500 में मिल जाएगा। और जो फ्लोराइड का ब्रेस्ट पंप है वो आपको 150 से 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में। पीजन का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है वो आपको अराउंड 6000 to 7000 में आएगा। और मेडेला का जो ब्रेस्ट पंप है वो आपको अराउंड 5000 to 6000 में मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये प्राइस वेरी कर सकता है, डिपेंड कर सकता है आप कहाँ से ले रहे हो, कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है। आप चाहे तो ये ऑनलाइन ले सकते हो, आप चाहे तो मेडिकल स्टोर्स में से ले सकते हो। अगर आप ये ऑनलाइन लेते हो तो आपको काफ़ी डिस्काउंट रेटेड में मिल जाता है ये ब्रेस्ट पंप्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ये न्यू मॉम्स को या होने वाले मॉम्स को आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट हो या आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो मेरे वीडियो आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।